वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स, एक ऐसी फिल्म जिसके लिए हम पर्सनली बहुत बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज्यादा थ्रिल्ड हैं। दैट इज थलपति 67। यस, थलपति विजय एंड लोकेश कनगराज की अपकमिंग फिल्म जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार अब बस खत्म ही होने वाला है। यस, 3 दिन का डेट उन्होंने बताया था, फरवरी 1, फरवरी 2, फरवरी 3। हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी जो इनसाइडर रिपोर्ट्स निकल के आ रहा है वो ये है कि 3 फरवरी, यस, मार्क द डेट ऑन योर कैलेंडर, 3 फरवरी को जो प्रोमो या फिर जो टीजर होगा थलपति 67 का, वो हम लोग को देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में भी बात किए थे कि वो कुछ जैसे विक्रम का जो अनाउंसमेंट वीडियो आया था, कुछ उसी तर्ज पे वो वीडियो होने वाला है और बहुत ही मास अपील के साथ आएगा एंड लिटरली सोशल मीडिया फाड़ देगा उस दिन। 3 तारीख याद रखना, फट जाएगा सोशल मीडिया उस दिन। किस तरह का एंटिसिपेशन है, अभी भी बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं इस फिल्म को। इधर हिंदी ऑडियंस में बात कर रहे हैं, हमको पता नहीं है कि उनके प्लेटर में क्या गिरने वाला है इस बार, और एक बहुत ही मैग्नानिमस धमाका होगा उस दिन जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। एंड ये भी न्यूज निकल के आ रहा है कि इसका रिलीज डेट ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो चुका है एंड इट इज कमिंग सूनर देन यू एक्सपेक्ट। यस, एक वीडियो में हम आपको ये बताए थे कि इट इज टारगेटिंग अ दिवाली रिलीज, लेकिन 1 महीना पीछे कर लो भैया, क्योंकि दशहरा रिलीज, यस, 19th ऑफ अक्टूबर इसका रिलीज डेट कहा जा रहा है कि फाइनल हो चुका है। अब इतने कम समय में शूटिंग कैसे कंप्लीट होगी, कैसे बाकी सब पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा और कैसे फिल्म रिलीज के लिए तैयार होगी, आई एम श्योर कि लोकेश कनगराज ने कुछ ना कुछ तो प्लान बना के रखा होगा इसको लेके। नेक्स्ट मंथ से इसका कश्मीर में भी शूटिंग होने वाला है। एक्साइटिंग एक्साइटिंग टाइम्स अहेड फॉर ऑल द थलपति विजय फैंस एंड ऑल द तमिल ऑडियंस हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये जो यूनिवर्स का फंडा है इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है लोकेश कनगराज ने, क्योंकि लिटरली एक यूनिवर्स बना रहे हैं जिसमें ऑलरेडी विक्रम में हम लोग देख चुके हैं, यानी कि कमल हसन साहब थे और उसके बाद फहद फजील थे, विजय सेतुपति, और उसके बाद लास्ट में रोलेक्स यानी कि सूर्या की एंट्री होती है। कैथी में ऑलरेडी कार्ती हैं, यहां थलपति विजय हैं, सुनने में आ रहा है कि चिया विक्रम भी होने वाले हैं इसमें। मतलब कहां जा रहा है ये, संजय दत्त तो है ही, अर्जुन सरजा है ही, मतलब इतना ज्यादा स्टार कास्ट है इस लंबा लोकी यूनिवर्स का कि जिसका कोई एंड नहीं है। मतलब ये लिटरली में एक यूनिवर्स फॉर्म कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में वो किस लेवल के धमाके करने वाले हैं कोई सोच भी नहीं सकता है। सो एक्साइटिंग टाइम्स कमिंग अहेड फॉर ऑल द सिनेमा लवर्स, क्योंकि ये बहुत बाप लेवल का फिल्म होने वाला है। बहुत ही ज्यादा मेरा एंटिसिपेशन है इसको लेके, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो थलपति 67 को लेके, कमेंट सेक्शन भर दो। वीडियो पसंद आया तो दबाकर शेयर कर दो सबको और लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आए आपसे मिस ना हो जाए। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।